अरे हम लोग अपना सरकार बनाएंगे ना, जब हमारी सरकार बन जाएगी बिहार में तो बिहार के चप्पे चप्पे पर हम लोग हवाई जहाज उतारेंगे, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं मांगा, ये फेल्यूर है मुख्यमंत्री का। कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए मांगेगा ना भाई एयरपोर्ट, तो मुख्यमंत्री तो वही थे, तो नहीं मांगे, उनको जमीन अलॉट करके और केंद्र को देना चाहिए था, ये कोई विषय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ। और अमित शाह के आगमन को लेकर मुजफ्फरपुर पूरी तरह से तैयार है। पताही हवाई अड्डे को आप देख सकते हैं किस तरह से केसरी रंग में पूरे टेंट बन चुका है, और साथ ही साथ पूरा ग्राउंड भी बीजेपी के झंडे और केसरी रंग के टेंट के साथ तैयार है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से सभी यह बीजेपी प्रत्याशी अपना अपना बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाया है ताकि अमित शाह के नज़रों में आ सके। क्या तैयारी अमित शाह के आगमन को लेकर? नहीं, तैयारी का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आकर के निरीक्षण कर रहे हैं और बहुत अद्भुत तैयारी। ग्राउंड की कैपेसिटी 2 लाख है, तो क्या लगता है 2 लाख से ऊपर अगर कल आपको पता चलेगा कितने लोग आएंगे, जगह छोटा पड़ जाएगा, इतने लोग आ रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी ने कहा है कि जो यहाँ के हवाई अड्डे के बात को लेकर, जमीन को लेकर कहा है कि जब सरकार में थी भाजपा तो नहीं जमीन को लेकर बात हुई, और अब आके ये सब बात हो रही है उसको लेकर क्या? अरे तो मुख्यमंत्री का ये जिम्मेवारी है कि नहीं कि उनके राज्य में एयरपोर्ट ज़्यादा बने, तो क्यों नहीं प्रस्ताव देते हैं? आज प्रस्ताव देना, कल भारत सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। जमीन देने में तो उनको एम्स बनाने में आपने क्या देखा, कितना नाटक किया ये लोग, और ये इन लोगों को क्या है बेचैनी है, देख रहे हैं कि जब जब केंद्र के हमारे नेता आते हैं तब तक बिहार की जनता टूट पड़ती है बीजेपी के पक्ष में, तो बेचैनी तो स्वाभाविक है। उनका कहना है कि जब केंद्र में थी बीजेपी, जब मुख्यमंत्री के साथ जब बीजेपी पार्टनरशिप था, तब क्यों नहीं हुआ? ये मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं मांगा, ये फेल्यूर है मुख्यमंत्री का। कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए मांगेगा ना भाई एयरपोर्ट, तो मुख्यमंत्री तो वही थे, तो नहीं मांगे, उनको जमीन अलॉट करके और केंद्र को देना चाहिए था, ये कोई विषय है। तो क्या लगता है कल अमित शाह आएंगे तो उसके बाद से पता ही हवाई अड्डे का कार्य? अरे हम लोग अपना सरकार बनाएंगे ना, जब हमारी सरकार बन जाएगी बिहार में तो बिहार के चप्पे चप्पे पर हम लोग हवाई जहाज उतारेंगे, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तो चप्पे चप्पे पर हवाई अड्डा होगा, और यहाँ पताही हवाई अड्डे का भी कार्य होगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बीजेपी को जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके आगमन को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी यहाँ का जायजा लेने पहुँचे हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के सभी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। तो दिखाया आपको किस तरह से जेडीयू के जो नीरज जी ने जो इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी पर, उसका किस तरह से जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का फेलियर है जो उन्होंने यहाँ पर हवाई अड्डे का काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।